इंसाफ तक रसाई के मामले में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में क्या फर्क है? देखिए, इंसाफ के तक रसाई का मामला तो अदालतों से है, यानी जुडिशरी से है, ठीक है ना। तो अब मैं आपको पाकिस्तान और हिंदुस्तान में जो मैं उनकी अपने अंदरूनी उसमें मैं बात नहीं करूंगा, पाकिस्तान और हिंदुस्तान की, मैं गिलगित-बल्तिस्तान से मुतल्लिक आपको बात करूंगा। यानी गिलगित-बल्तिस्तान में पाकिस्तान ने जो जुडिशल सिस्टम एक मुतारफ कराया है, पहले एक जुडिशल कमिश्नर के नाम पर एक उन्होंने लाया, सबसे पहले तो एफसीआर होता था, पोलिटिकल एजेंट फैसले करता था, उसके बाद एक जुडिशल कमिश्नर जो है लाया एक आदमी को कमिश्नर के नाम से, वो तमाम जिंदगी और मौत के फैसले करता था, ठीक है ना। और अब उन्होंने फिर चीफ कोर्ट और पता नहीं सुप्रीम अपील एंड कोर्ट, नाम बड़े बड़े रखे हुए चीफ कोर्ट सुप्रीम अपील एंड कोर्ट, लेकिन ये जो भी चाहे वो चीफ कमिश्नर था, जुडिशल कमिश्नर था, चाहे चीफ कोर्ट या वो जो दूसरे कोर्ट्स हैं, ये सब गैर कानूनी है, क्योंकि इनमें से कोई भी कोर्ट आज तक कहना ये किसी आईनी कोर्ट नहीं है, क्योंकि गिलगित-बल्तिस्तान में न कोई अपना आईन है, नए पाकिस्तान के आईन में शामिल है, जब आईन में शामिल नहीं है तो आप जो भी वहां करते हैं तो इंतजामी तौर पर करते हैं, तो ये गैर कानूनी कोर्ट है, ये कोई आजाद कोर्ट नहीं है, कोई आजाद अदलिया नहीं है, इम्पार्शल अदलिया नहीं है, हाई कोर्ट नहीं है, सुप्रीम कोर्ट नहीं है। और फिर किसी को सजाए मौत मिलती है पसंद किसी को, वो और तो छोड़िए कोर्ट तो अगर कानूनी है तो वो जाके पाकिस्तानी सदर को, क्योंकि उनका अपना कोई सदर है नहीं, अपना सिस्टम है नहीं, पाकिस्तानी सदर को अपील भी नहीं कर सकता है, तो बगैर कानूनी किसी जवाब के वहां लोगों को फांसियां दी जा रही है, दी गई इससे पहले और दी जा रही है, और आइंदा भी हमारे लोगों को भी शायद यही इसका सामना करना पड़ेगा। तो जबकि इंडियन कश्मीर में वहाँ हाईकोर्ट है अपना, बिल्कुल आज़ाद हाईकोर्ट है, वहाँ कोई एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से कोई वो करदा मुकर करदा हाईकोर्ट नहीं है, और फिर उसके बाद हाईकोर्ट के खिलाफ भी वो आगे जाके सुप्रीम कोर्ट में, इंडियन सुप्रीम कोर्ट में वो अपील कर सकते हैं। तो गिलगित-बल्तिस्तान में न कोई अपना सुप्रीम कोर्ट है, न सुप्रीम कोर्ट में अपील कर सकते हैं, और जो वहाँ कोर्ट सिस्टम है वो कश्मीर अफेयर्स के अंडर है, यानी एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर है, नहीं चीफ सेक्रेटरी उन पर हुक्म चला सकता है, चीफ सेक्रेटरी के बाद वहाँ मिलिट्री जो है वो और भी बालादस्त है, अपर हैंड है, जो एफसीएन है, फील्ड कमांडर नॉर्दर्न एयर के नाम से है, उसके अंडर फिर आईएसआई है, तो उनके अहकाम यानी वहाँ तह दरते हैं, लेयर दर लेयर जो है वहाँ जुडिशरी पे भी उनका कंट्रोल है, कोई आजाद जुडिशरी वहाँ है नहीं, कोई कानून जुडिशरी वहाँ नहीं है।